ऐड 4 एंड 4, 4 एंड 4 को आपको ऐड करना है। सी वी ऐड 4 प्लस 4 इज़ 8 एंड नंबर लाइन पर आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट नंबर इज़ 4, वी स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ 4, यानी इट मींस 4 जंप आपको लेने हैं। 1 2 3 4, वी रीच एट द पॉइंट 8, इट मींस 4 प्लस 4 वी गेट 8। अक्रॉस एडिंग में आपने देखा आपका आंसर 8 आया, और इसी एडिशन को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एट 6 एंड 3, 6 एंड 3 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 6 प्लस 3 को अगर हम अक्रॉस एडिंग में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9, और नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है तो वी फर्स्ट नंबर इज 6, वी स्टार्ट नंबर 6 एंड सेकंड नंबर इज 3 एंड इट मींस वी टेक 3 जंप, 1 2 एंड 3, हमें 3 जंप लिया और हम कहाँ पहुँच गए, एट द पॉइंट 9, हम 9 पर पहुँच गए। दिस इज द शोइंग द एडिशन ऑफ 6 एंड 3 ऑन द नंबर लाइन। इन दिस वे इन अनदर क्वेश्चन वी सॉल्व एट 1 एंड 8, 1 एंड 8 को ऐड करना है। 1 प्लस 8 अक्रॉस एडिंग में करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट नंबर इज 1, वी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 8, सेकंड नंबर इज 8, वी जंप 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, वी टेक 8 जंप एंड वी रीच एट द पॉइंट 9। वी रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ 1 एंड 8 ऑन द नंबर लाइन इन दिस वे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड ऐड द फॉलोइंग बाय ड्रॉइंग द नंबर लाइन इन योर नोटबुक। आपको ये जैसे अभी हमने नंबर लाइन आपको एग्जांपल में समझाया है, बिल्कुल उसी तरह इन सब क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।